गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन निकाली थी, और उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किया। कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आए हैं कि बोल रहे हैं कि उसमें डिफरेंस है रिजल्ट के अंदर। तो वहां पे जो वर्क डन होता है, दो तरह से वर्क डन होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये फील्ड है और हम इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किसी डिस्प्लेसमेंट से जाए या इसके ऊपर फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यू ई, दैट इज फोर्स एग्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके बारे में बात करें। हम जैसे चार्ज का सिस्टम बना रहे थे, जो रिजल्ट हमने निकाला था Q1 Q2, अब पहले जैसे सिस्टम को बनाने के लिए पहले चार्ज हम Q1 लेके आए होंगे, जब Q2 चार्ज को हम लेके आएंगे यहां से, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर फोर्स लगा रहा है और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स निकालो कि मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस उस तरफ कर रहा हूं, फोर्स भी उसी तरफ लगा रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन हमारा वर्क डन नेगेटिव आया था, क्योंकि हमने जो वर्क डन निकाला था दैट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, आप जब ऐसे लेके आओगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, इसलिए हमारा वर्क डन वहां पे नेगेटिव आ रहा है। तो दो तरह से काम आप कर सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वो दोनों का जो साइन होगा वो अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन साइन जो है वो अलग अलग आएगा। तो ये फर्क है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप हमें उसमें भेज सकते हैं कि हमारे वाले कॉन्सेप्ट से ये सोल्व नहीं हुआ है। तो हम आगे बात कर रहे हैं, हम आज बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा नाम है इसका, इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब होता है एक जैसा, इक्वल, वहां से लिए। तो जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है इक्वल हो, सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारे पास एक रिलेशन आया था दैट इज डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको खोल लें, इसको खोल दें, तो ये क्या आएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डीएस कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर खुलती है। और ये जो थीटा होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहां पे बात करें, इसको हम लिख दें डीवी बाई डीएस या डीआर, आप बोल रहे हो डीआर, डीवी बाई डीआर, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ई कोस थीटा। दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज है, ये क्वांटिटी पोटेंशियल में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। दिस चेंज इज मैक्सिमम डीवी बाई डीआर
इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम ई को, जब ये वाली क्वांटिटी थीटा चेंज कर रहे हैं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, ये वाली क्वांटिटी जब मैक्सिमम होगी तब ये वाला मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम व्हेन कोस थीटा इज मैक्सिमम। हम फील्ड को कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कोस की वन वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना हो जाए, जीरो। ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए तब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, डीवी बाई डी आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये एक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो। जब हम फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब ये बात करें, थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, थीटा था किस किस के बीच का, थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब थीटा जीरो है, थीटा है किन किन के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में डीआर में एंगल हो गया आपका जीरो, कब होगा, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, then dv by dr is maximum, this quantity, rate of change in potential is maximum। जब आप फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, अगर किसी चार्ज को आप फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो तो पोटेंशियल में जो चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है, ये आपका फर्स्ट केस है। अगर हम अपोजिट बात करें कि ये दूसरी डायरेक्शन में जाए, उस केस में जो चेंज होगा वो मिनिमम होगा, मतलब ये क्या बात है, जैसे मान लिया कि ग्रेविटेशन में हमने जैसे एग्जांपल दिया था कि आप किसी कोई पहाड़ है, मान लिया कि आप उससे नीचे जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल सबसे, मतलब एक जगह ढलान ऐसी है, अब वो स्लोप जो होता है पहाड़ का जैसे वो एक जैसा नहीं होता है, तो आप कहीं पे मान लिया कि ऐसे है, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है, तो आपका पोटेंशियल में सबसे ज्यादा चेंज कब होगा, जब आप फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, मतलब मान लिया कि ये आपका पहाड़ है, ऐसे कुछ है, फिर ऐसे कुछ है, फिर ये ऐसे है, और फिर ये ऐसे है, कब, मतलब आप यहां से, आप फील्ड की डायरेक्शन, यहां से यहां आपको ज्यादा चलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कम गिरावट होगी, लेकिन यहां बात करेंगे तो यहां अगर इस डायरेक्शन में आप चलते हो तो पोटेंशियल में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो MGH होता है, यहां पे पोटेंशियल में सबसे ज्यादा गिरावट होगी, तो इसका मतलब ये है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा चेंज होता है, इसी कारण से, मतलब पहाड़ पे चलते चलते हमारी ढलान पे हमारी स्पीड क्यों हो जाती है ज्यादा, क्योंकि हम ज्यादा पोटेंशियल वहां पे चेंज करते हैं, जिसके कारण आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यहां पे भी वैसे ही है, अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा।